यहां लिखा है कि अ नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आई बी, अगर कोई नंबर जो ए प्लस आई बी के रूप का हो, जो भी नंबर ए प्लस आई बी के रूप का हो, उस नंबर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गया? एग्जांपल देखते हैं, जैसे टू प्लस थ्री आई, ये जो एक नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आई बी के रूप का होना चाहिए। ए प्लस आई बी कहने का मतलब यहां पर बी का जो वैल्यू होगा कोई रियल नंबर होना चाहिए, ए के जगह पर भी कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो यहां ए प्लस आई तो यहां है ही, बी का वैल्यू भी रियल नंबर है। ए प्लस आई बी के रूप में है तो टू प्लस रूट थ्री रूट आई जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोर्ड पर, हेलो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जैसे फाइव माइनस थ्री आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सेवन माइनस टू आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। माइनस फाइव एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाई नॉट, बर्दाश्त कीजिए, समझ में आएगा। माइनस फाइव इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। माइनस फाइव को हम लिख सकते हैं माइनस फाइव के बाद जीरो प्लस जीरो आई, यस या नो? ए और बी वैल्यू जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, तो आई के पहले जो मान लिखा हुआ है जीरो वो एक रियल नंबर है। तो आप माइनस फाइव प्लस जीरो आई लिख सकते हैं, तो यहां पर माइनस फाइव भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ प्लस जीरो आई लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं सिर्फ आई भी लिख दिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोलो इसको कॉम्प्लेक्स आई बी के रूप में अगर हमको डिनोट करना है तो क्या लिखें? जीरो प्लस आई, जीरो प्लस रूट थ्री एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रूट थ्री रहेगा तो रूट थ्री प्लस जीरो आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अ नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई नंबर ए प्लस आई बी के रूप का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी प्रॉब्लम? कोई नंबर किसके फॉर्म का हो, ए प्लस आई बी के रूप का, उसको कैसा नंबर बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के फॉर्म में बहुत सारा यहां मैंने एग्जाम्पल दिखाई दिया, उसको वो समझ में आ ही गया। अगर जेड, यहां पर एक बात लिखा है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, तो 26 लेटर में से किसी भी लेटर से हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिख दिए अगर 2 प्लस 3 आई, तो लिख सकते हैं जेड बराबर 2 प्लस 3 आई, 3 आई, यानी कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, यहां लिखा है ना जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, यहां ए और बी का जो मान होगा कैसा नंबर होगा बताओ? रियल नंबर होगा, उसी बात को लिखा गया है। यहां पर ए का मतलब हो गया रियल पार्ट, ध्यान दो, ए का मतलब रियल पार्ट, हेलो ध्यान दो, यहां ए का मतलब रियल पार्ट, मतलब इसके साथ आई नहीं लगा होगा, और आई के साथ वाला जो वैल्यू है ना बी, बी की बात सिर्फ करा जा रहा है, आई का जो कोफिशियंट है वो जो होता है इमेजिनरी। तो बताओ कि इस एग्जांपल में आपको रियल पार्ट क्या दिख रहा है? टू, ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, यस सर, दो दो से टू नहीं हो सकता है, फर्स्ट बार टू सुन रहा है, टू पढ़ाइए, ये बताइए रियल पार्ट टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी पार्ट आई मत बोलना, आई का जो कोफिशियंट रहे, आई का जो कोफिशियंट रहेगा वही होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इसमें बताओ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, माइनस थ्री, माइनस थ्री। अच्छा यहां थ्री बोले तो प्लस थ्री हुआ, प्लस थ्री नहीं भी बोलेंगे तो प्लस थ्री हो गया, लेकिन यहां पर सिर्फ थ्री बोल दीजिएगा तो माइनस थ्री नहीं हुआ, तो इसलिए यहां पर आई का जो गुणांक माइनस थ्री है आपको वहां पर बोलना है बी का वैल्यू है माइनस थ्री। बताओ यहां बी का वैल्यू माइनस टू, ए का वैल्यू, ए को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, बी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ओके, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए यहां जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसको लिखा गया है नाइन प्लस फाइव आई, इमेजिनरी पार्ट क्या है? फाइव, रियल पार्ट, देखो रियल पार्ट को लिखने के लिए आर ई लिखकर ब्रैकेट में देखो, यहां जेड कॉम्प्लेक्स नंबर माना गया तो जेड लिखेंगे, अगर यहां ए कॉम्प्लेक्स नंबर माना गया तो ए लिखते हैं, यहां सी माना गया हो तो यहां सी लिखते हैं।
रियल आर ई लिखने का मैंने रियल पार्ट। इस बताओ इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कितना है? 9। यहां लिख लेंगे 9। अब इमेजिनरी पार्ट को लिखने के लिए आई एम लिखते हैं। ऑफ जेड बताइए कितना है? 5। यही हो गया आपको। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आर ई जेड लिखा रहने का मतलब उसका रियल पार्ट के बारे में बोला जा रहा है, और एम आई एम जेड का मतलब उसके इमेजिनरी पार्ट के बारे में बोला जा रहा है। पार्ट का कुछ यही पंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा नहीं फंसा, बात समझ में आ रहा है? चलिए अब सारे कैंडिडेट को यार रियल इमेजिनरी पार्ट समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, बट एक आध बात थोड़ा सा पूछ भी लेते हैं, बाई द वे कठिनाई भी है, बोल नहीं पाता है, कठिनाई भी होगा कहीं बोल नहीं पाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, पीछे से सेकंड डेस्टमेंट प्लीज जस्ट अ मिनट। -5। चलो रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ क्या लिखें? ए जेड, अच्छा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड रियल पार्ट ऑफ जेड जेड होगा, अच्छा उसको बोलने दो, रियल पार्ट ऑफ जेड जेड होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता नहीं पता, मेरा खतरनाक विद्यार्थी तो लोग यार, अभी ना वहां समझाए थे उधर लिखे थे, मैंने कहा था कि 5i सिर्फ लिखा है तो इसको आप लिख सकते 0 माइनस 5 से, रियल पार्ट कितना तो उतना पंगा फंसेगा, अरे जो नहीं रहेगा वो 0 होगा, जो पार्ट नहीं है उसको उसका वैल्यू 0, तो यहां पर इमेज रियल पार्ट होगा 0। ठीक है, अब सिर्फ यू स्टैंड अप, जेड 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ चलो जेड 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, माइनस 5i प्लस 2 बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड 2 बताओ, रियल पार्ट 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 2 5 पक्का लॉक कर दिया जाए? शानदार अवसर था आपको 5 करोड़ जीतने का, हा आप हार गए 5 करोड़ दादा, माइनस 5 हो गए, माइनस 5 होगा, आई क्या आई का कॉपी लेते हैं, आई नहीं लेते, अभी बार बार समझा रहे आई नहीं लेते हैं, आई का गुणांक सिर्फ लेते हैं, आई का जो गुणांक होता है वही ना बी होता है, उसी ना बी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पर जो आई का कॉफिशियंट -5 है, -5 लेके आई को काला लेने पर चले, तो इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग देखते हैं। ओके अब देखिए प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर के बाद, अच्छा प्योरली का क्या मतलब होना चाहिए, हम शुद्ध हिंदी में तो इसका मीनिंग शुद्ध, अच्छा मान लो कि क्वेश्चन में प्योर दूध कह दिया जाए, क्या आपका या क्या निष्कर्ष निकलता है? शुद्ध दूध, हम छान उनके दूध लाया है, शुद्ध दूध का मतलब उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, तो उसमें दारू मिलता है, क्या मिलता है? पानी मिलता है, कहो कि पानी नहीं मिलावट किया गया है, नहीं मारा है, पानी नहीं मिलाया है, लेकिन आप ग्वाला दूध लेने आया है और पानी नहीं मिला हो, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट, इसके घटना प्रोबेबिलिटी 0। हाँ हाँ पली से बाल्टी में तो पानी रख ले निकाली दूना स्टार्ट करता है, कहीं भी ये भी देखा गया है, अभी ऐसे बोला जा रहा है किसी कास्ट या किसी अति को कुछ नहीं करा जा रहा है, ये मतलब नहीं है, ऑलरेडी बाल्टी पली से दूर रख ले, कोई मान लेते दूध लेने सामने है, दूध दूने के समय तुम्हें तो पानी नहीं मिला सकता है, अब बाल्टी में पानी रख लो, सर 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 फिर दूध निकाल लो, दूध ना बोले ओरिजिनल दूध दे रहे हैं, ओके तो प्योर का मतलब जो भी मिलावट की वहां बात होगा, हेलो 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 जो भी मिलावट की बात होगा तो उसमें बिल्कुल ही मिलावट नहीं हो, यहाँ प्योरली रियल का मतलब क्या? अच्छा यहां पर दो चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज है, रियल पार्ट है, हेलो सुनो, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, तुम लोग बताओ कि प्योरली रियल बोलने का क्या मतलब होगा? यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
इसमें दो चीज का मिलावट है, दो चीज दिखेगा, रियल पार्ट दिखता है और इमेजिनरी पार्ट दिखता है। तो प्योरली रियल का क्या मतलब होना चाहिए? इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। अच्छा, कब इमेजिनरी नंबर नहीं होगा? जब आई का जो गुणांक है वो जीरो होगा, मतलब बी का वैल्यू जीरो होगा। देखो दिमाग लगाओ यार, जो बात बोल दो उसको समझ कर पढ़ो। अगर बी का वैल्यू जीरो हो जाए, सपोज ऐसा मान के चलो कि बी का वैल्यू जीरो हो गया, तो क्या दिखेगा? सिर्फ थ्री दिखेगा, सिर्फ ए दिखेगा ना, आई का गुणांक जीरो। अब ये तो हटा देते थे ये गधा सब जो है, अब ये माइनस फाइव लिखकर छोड़ देते थे, आई वाला नहीं दिख रहा है। आई वाला दिख रहा है क्या? इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। जब इमेजिनरी नहीं नहीं पार्ट दिख रहा है तो प्योरली रियल है, प्योरली रियल, एकदम प्योर रियल नंबर है, प्योरली रियल हो गया। तो क्या इसका डिफिनेशन होना चाहिए? प्योरली रियल का मतलब जिसमें इमेजिनरी जीरो, जिसका पार्ट जीरो, प्योरली रियल। अच्छा, यही प्योरली इमेजिनरी होगा तो जीरो हो, मतलब ए का मान जीरो हो। अगर ए का मान जीरो होगा तो क्या होगा बताओ? प्योरली इमेजिनरी। और बी का मान जीरो होगा तो देखो कंफ्यूज मत रहना, सिर्फ रटना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं इसको समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ा हुआ चीज कभी नहीं व्यर्थ जाए। लेकिन जो बिना समझे हुए सुनकर बोल रहे हो तो वो तो कोई उसका मीनिंग नहीं है। तो प्योरली रियल का मतलब पार्ट जीरो है, रियल पार्ट या इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट जीरो, वही बात लिखा गया है। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी अ प्योरली रियल। प्योरली रियल होगा अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है, प्योरली इमेजिनरी होगा इफ रियल पार्ट जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या मतलब? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का क्या मतलब? ध्यान देंगे, देखो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, माइनस फाइव माइनस थ्री आई, तो वेरी गुड, डी इक्वल्स टू पार्ट मेरा इमेजिनरी पार्ट। क्या ये प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी है? यस या नो? ना तो ये प्योरली रियल है, नहीं प्योरली इमेजिनरी, मिक्स है, दोनों का मिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके दोनों का मिक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सारा है, जो भी अभी पढ़ रहे हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके देखो ध्यान दो, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर निकालना रहता है, यहां अगर जेड वन इसको मान लिए थे, जेड वन कंजुगेट का मतलब ऊपर रेकरिंग का साइन दीजिए, ऑलरेडी टेंथ में सब बात सुना हुआ रेकरिंग, जैसे 2.3 लिख दिया और यहां 3 पर रेकरिंग, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 बार बार आ रहा था, यहां पर वो कंसेप्ट नहीं है, यहां कोई डेसिमल के बाद की बातें नहीं करा जा रहा है। यहां पर क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ऐसा देने का माने कंजुगेट, और जब भी इस तरह का देगा इसका मतलब मॉडुलस, मॉडुलस उस तरह का साइन देगा मॉडुलस, और ऊपर में रेकरिंग देगा कंजुगेट। जगो, सीधा बैठो, सीधा बैठने कैसे बैठा हुआ है, एकदम रहना चाहिए तुम लोग का अभी टूटन, जब ये सब उम्र में ये सब स्थिति, कितना साल हुआ होगा यार, 15 ना तो 16 ना तो चल बहुत होगा 20 होगा, ऐसे ज्यादा क्या होगा? तो सको तो 30 पार करते करते एक्सपायर कर दिया, जब स्थिति रहता तुम रहना चाहिए तुम जवान की तरफ बैठा हुआ, या भी हम लोग बॉर्डर पर धराधर धराधर खाली क्या क्या हो गया? गोली जगह, अच्छा गोली जगह पर लगे चाहे नहीं, तुम्हारे पास बंदूक एक आदमी खाली फायरिंग कर दो सामने वाला भाग जाएगा, जगह पर लग रहा नहीं लग रहा तुझसे क्या लेना था ना, बंदूक रहना चाहिए एक आदमी बस ऐसे उड़ा दो वो जाकर लग जाए, रहो दम जंग की तरह बैठने के लिए आया है ना। चलिए कंजुगेट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट? ये जो साइन के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब कंजुगेट है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए इसका मतलब मॉडुलस है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मतलब होता है ये जो रियल इमेजिनरी पार्ट है ना, रियल पार्ट जैसे है वैसे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है यानी थ्री प्लस में है कि माइनस में, तो आप इसको प्लस में थ्री कर दीजिए और जैसे आई लगा है तो बाई जत वैसा रख दीजिए उसके जगह पर,
आई को जैसे है वैसे रख दीजिए, बस आपको क्या करना है जो रियल नहीं इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दीजिए। ये तो माइनस फाइव प्लस थ्री आई हो गया, इसी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हो गया कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। देने कौन बड़का बात बोल दी, बदल देना है तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। चलो जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस फाइव आई ये क्या होगा, माइनस सेवन माइनस आई कंजुगेट बर, तो कंजुगेट का मतलब आई का जो कोफिशियंट होगा उसका साइन बदल देना है। दम दिमाग में डालो, सिर्फ आई के कम कॉपी आई वाला का ही साइन बदलने का, आई वाला का ही साइन बदलने का, रियल पार्ट का नहीं साइन बदलने का, ए का वैल्यू नहीं बदलने का, ए का वैल्यू का साइन नहीं बदलना, किसका साइन बदलना, बी का को वैल्यू, बी जो मान रहेगा ना, बी वाला जो वैल्यू है उसका स्किन बदलने का। ओके अब कुछ वैसे तो आप पीएचडी उससे भी आगे का डिग्री रहे तो हासिल कर, डिग्री चलो ठीक ठाक है उतना तक ले ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। चलो न्यू तुम पर्पल देना, तुम ही बता दो, बता दो। यस हाँ भाई, इसको जैसे वैसे करना है भाई, इज्जत कोई भी उसमें कोई तरह का नहीं करना। सिट डाउन, देख लो ये सब ना लड़का हुआ, ये आज पहला दिन आया एकदम ताबड़तोड़ प्रदर्शन, एकदम भासु प्रदर्शन, ये सब ना लड़का क्या कर दो। चलो यो व्हाइट टी, व्हाइट टी शर्ट, येलो कॉलर, चलिए हेलो डॉन टॉक ऑन टॉक। जेड फोर का जो है कंजुगेट बताइए, कंजुगेट ऑफ जेड फोर माइनस माइनस फाइव, हो गया लॉक कर दिया जाए। प्लस जीरो ऐसे क्या, जब नहीं है तो उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, बैठ जाओ। इसका साइन बदलना है, सिंपल फंडा, जिसका साइन बदलना है, साइन बदलने का क्या मतलब, जीरो अगर लिख भी देता है तो जीरो के पहले प्लस का साइन दो चाहे माइनस का साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके माने कि माइनस फाइव अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका कंजुगेट उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क तरह का पड़ता है। घूंघट टांग के बैठना, हाथ अगर आया तुम क्या ऐसे देख, देखो बता रहे हैं ऐसे रख लो, ऐसे बस एक तरफ से लटका लो, एक तरफ से देखो वैसे चलेगा, दिखा ले है दूसरा के बगल वाला के गधा के करवा देना। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर अब बताओ, जेड फाइव एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें माइनस आई लिखा है, तो जेड फाइव का कंजुगेट क्या होगा, प्लस आई, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये होता है अपना कंजुगेट, तो यहां पर लिखा गया कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसका कंजुगेट का मतलब ए का ए लिखा गया, प्लस का माइनस कर दिया आई, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चल।